केंद्र और प्रदेश सरकार भले ही कोरोना का इलाज करने का दावा कर रही हो, लेकिन ये दावे मेरठ में हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। ताकि मेरठ के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। मेरठ का स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल प्रशासन कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। एक मरीज को इलाज न मिलने के कारण आखिर में मौत ही मिली। मेरठ का मेडिकल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना के इलाज में लापरवाही कर रहा है। यहाँ एक गर्भवती महिला द्वारा बच्चे को जन्म दिया गया और उसका बिना टेस्ट के इसको परिजनों को सौंप दिया गया। तो वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज में लगातार 5 दिन से धक्के खा रहे एक मरीज की आखिरकार मौत हो गई। आपको बता दें, यह मरीज अधेड़ उम्र का था और मेरठ के केसरगंज का रहने वाला था। इसने कई अस्पतालों में जाकर इलाज की गुहार लगाई, लेकिन जब वह मेरठ के जिला अस्पताल में पहुंचा तो उसको 2 दिन की बुखार की दवा देकर घर भेज दिया गया और बताया गया कि तुमको कोरोना नहीं है। जबकि मरीज अब जब मौत के मुंह में समा चुका है तब उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो आखिर क्या वजह थी? मरीज को भर्ती भी नहीं किया गया और उसका इलाज भी नहीं किया गया। वहीं मरीज के परिवार में 2 मौत और हो गई हैं, जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीज की पत्नी और एक अन्य के कोरोना पॉजिटिव मरीज की पत्नी की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। लेकिन जो मरीज कोरोना पॉजिटिव था उसको भी यहाँ इलाज नहीं दिया गया। वह लगातार 5 दिन तक मेडिकल के धक्के खाता रहा और लास्ट में जब उसको भर्ती किया गया तो वह मौत के मुँह में चला गया। इस सारे प्रकरण के बाद जिस मरीज की मौत हुई है उसके एक रिश्तेदार ने मेडिकल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और एक वीडियो भी वायरल कर दिया है जिसमें वह मेडिकल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बता रहा है। अब अपने आप को जिला प्रशासन, मेडिकल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग बचाता नजर आ रहा है, जबकि मेडिकल प्रशासन के प्रधानाचार्य आरसी गुप्ता से जब इस पर सवाल किए गए तो वह चुप्पी साध गए और इधर उधर की बातें करने लगे। अब क्या कोरोना पॉजिटिव मरीज की जो मौत हुई है उसको हत्या में तब्दील करके कैसे अधिकारियों पर केस दर्ज नहीं होना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर किसकी लापरवाही के चलते कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है, कौन इसका जिम्मेदार है? अब आने वाला समय ही बताएगा कि मेरठ के ऐसे भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर मुख्यमंत्री का चाबुक चलेगा या नहीं। नमस्कार सभी भाइयों को। आज एक थोड़ी परेशानी आ गई है। मेरे रिश्ते में एक मेरे मौसाजी लगते हैं जो कि केसरगंज रहते हैं, दाल मंडी। उनकी दुकान वहीं मच्छरान के पास है, दाल मंडी गेट नंबर 2 पर। काफ़ी लगभग 6-7 दिनों से उन्हें कोरोना के सिम्टम्स का महसूस हो रहा था, जैसे खांसी, बुखार, और 3-4 दिन पहले उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो उनको हमने उपचार के लिए भेजा, केएमसी भेजा, फिर उसके बाद भेजा उन्हें प्यारेलाल हॉस्पिटल। उन्होंने उसे उन्हें दवाई देके वापस भेज दिया कि पहले दवाई खाओ बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले सीएमओ साहब मेरठ महानगर को फ़ोन मिलाया रात कि भाई साहब हमारे पेशेंट की तबीयत ख़राब हो रही है, वो काफ़ी सिम्टम्स उनको यही लग रहे हैं कोरोना वाले। लेकिन सीएमओ साहब बोलते हैं कि आप मेरे को नंबर उनका व्हाट्सअप कर दो, मैं कुछ एक्शन लेता हूँ। 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने डीएम साहब को फ़ोन करा। डीएम साहब बोलते हैं इसमें कि डीएम साहब के यहाँ फ़ोन उठा और वो बोलते हैं कि देखते हैं, कुछ कार्रवाई करते हैं। रात को 11 बजे, उस दिन रात को, 4 दिन पहले रात को 11 बजे उनके यहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है और उनको लेके मेडिकल आ जाती है। मेडिकल आने के बाद उनको दवाई दे दी जाती है डॉक्टर के उसमें, लेकिन एडमिट नहीं कराया जाता और उन्हें कह दिया जाता है कि अपने घर जाओ। वो बेचारे रात को 1:30 बजे घर पहुंचते हैं पैदल, बड़ी मुश्किलों में। खैर, अगले दिन उनके घर पर एक डॉक्टर की टीम आती है, वो उनका सैंपल लेती है, दोनों हस्बैंड वाइफ का। उम्र है उनकी 62 से 65 साल, दोनों हस्बैंड वाइफ की। खैर, सैंपल लेने के बाद सैंपल का कोई रिजल्ट नहीं आता। अभी तक उनका कोई रिजल्ट नहीं है कि उनको कोविड है या नहीं है। 3 दिन हो गए हैं सैंपल लिए हुए। उनकी स्थिति और भी गंभीर होती गई इस बीच में जब उनकी स्थिति और गंभीर हो गई तो कल वो फिर अपने व्हीकल से
मेडिकल आ गए थे। जहाँ मेडिकल में आने के बाद उनको फिर एडमिट नहीं करा गया, उनसे बोला कि तुम दवाई खाओ, तुम्हें कल एडमिट करेंगे। थोड़ी देर बाद ही उन्हें मेडिकल में लकवा मार जाता है, जिसे फालिश बोलते हैं। आनन फानन में ये डॉक्टर उन्हें एडमिट करते हैं भाई साहब, और उनकी वाइफ को घर भेज देते हैं कि आप घर जाओ, इनका इलाज अब हम करेंगे और अभी हमारी देखरेख में रहेंगे। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हॉस्पिटल से फ़ोन आता है शाम को 5 बजे कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और अभी तक इन्होंने ये पुष्टि नहीं करी है कि उनको कोरोना वायरस है या नहीं है। अभी तक इन्होंने पुष्टि नहीं करी है। 3 दिन हो गए जांच के सैंपल दिए हुए, अभी तक इन्होंने कोई भी पुष्टि नहीं करी है कि उनको कोरोना है या नहीं है। मतलब ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना हालत वाली बात हो गई। जहाँ जहाँ ये बैठे हैं तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए ना कि इनको इनकी डेथ कोरोना की वजह से हुई है, किसी और वजह से हुई है, ताकि हम आगे का एक्शन ले सकें। लेकिन यहाँ कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। मैं अभी जिला मेडिकल में ही खड़ा हूँ, ये देखिए कोई है नहीं। ये पीछे बिल्डिंग है कोविड की, यहाँ पर टोटल कोविड के पेशेंट हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी डेथ हो चुकी है, ये अब भी नहीं बता रहे उनकी डेथ कोरोना की वजह से हुई है या नॉर्मल डेथ हुई है। अब हम सोच रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी घर पे लेके जाएं या नहीं जाएं। कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए ना। डेड बॉडी दे रहे, कोई बात ही नहीं कर रहा, कुछ भी डेड बॉडी भी नहीं दे रहे। और जो इनकी वाइफ हैं वो घर पे हैं, अभी कुछ नहीं पता कि आगे क्या सिम्टम्स किसको क्या पहुंच जाए। कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, शायद कुछ हेल्प हो जाए। धन्यवाद। मोहित जी, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है, पूरा बताएंगे? पापा को फीवर हुआ था। कब हुआ था फीवर? 19 तारीख को जी। पापा को जो है फीवर हुआ था, प्राइवेट में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टरों ने देखने को मना कर दिया कि हमें परमिशन नहीं है फीवर सर्दी जुकाम के मरीजों को देखने के लिए, आप जिला अस्पताल में ले जाइए। जिला अस्पताल में दिखाया, उन्होंने दूर से ही मना कर दी कि हम नहीं इलाज कर पाएंगे, 2 दिन की खुराक दे दी कि आप इसे खिला देना और इससे आपको आराम पड़ जाएगा। वो बीमारी घटने के बजाय उनकी बढ़ गई। यहाँ आने के बाद में क्या हुआ है? यहाँ पे हम लेकर आए थे फर्स्ट टाइम मंगलवार की रात को एम्बुलेंस भेजी गई थी, वो भी किसी जानकारी के थ्रू आई थी। यहाँ तो 108 नंबर का तो फोन उठा ही नहीं था उनका। जानकारी एम्बुलेंस आई 11:30 बजे, मम्मी पापा को लेकर आए यहाँ पर। देखने के बाद उन्होंने 5 दिन की दवाई दे दी, कहा कि आप 5 दिन के बाद सही हो जाओगे, और ये दवाई लेकर रात को 12:30 बजे उन्हें ऐसे छोड़ दिया कि आप घर चले जाओ। अब रात को साधन चलने का, व्हीकल चलने का कोई है नहीं, दोनों बुढ़े बुढ़िया हमारे बुजुर्ग है, दोनों पैदल केसरगंज तक गए हैं। इन्हें इतना दर्द नहीं आया कि रात को पेशेंट की तबीयत खराब है कि यहाँ रोक लेते। तो कौन एक्सपायर हुए हैं आपके? मेरे फादर है, पापा है। तो क्या बताया जा रहा है उनकी मौत का कारण, क्या बताया जा रहा है, कुछ बताया आपको? अभी तो मैं आपके सामने आया हूँ। तो आपको किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है सहयोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? सहयोग अब आपके सामने ही हो रहा है, जो भी हो रहा है। देखो मेरे को तो जब तक मेरे पापा को इलाज मिल जाता तो पापा सही रहते, जब तक तो सपोर्ट मिला नहीं। अब सपोर्ट का क्या फायदा, मेरे पापा तो वापसी आएंगे या मेरे पापा वापसी आ जाएंगे। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप, ये बताएं? मैं मीडिया के माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर ध्यान दे, मेरे पापा तो वापसी नहीं आने के, पर मानव एक मानवता के आधार पर कोई भी पेशेंट आया तो उसका सही तरीके से इसका इलाज हो, जिससे उनको जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो ना कर पाऊंगा। सर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, क्या पूरा मामला ये बताएं पहले? दूसरा ये हो गया है कि अभी जो है जो पेशेंट कोरोना का जो स्टिग्मा है उसकी वजह से थोड़ा सा लेट भी आते हैं, तो उस चक्कर में और स्टेज टर्मिनल हो जाती है। उसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट बहुत सीरियस आ रहे हैं और सस्पेक्टेड वार्ड में जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट तब तक नहीं आ पाती क्योंकि लैब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड है, तो रिपोर्ट आने से पहले ही कई बार डेथ हो जाती है। तो उसको हम लोग ये कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट आने जब नहीं आ रही और पेशेंट डेथ हो जाती है तो उसको हम लोग ट्रिपल लेयर में पैक करा देते हैं कि जिसमें कोई रिस्क ना रहे, और अगर निगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो फिर हम लोग रूटीन में जैसे हम लोग
डिस्पोज पेशेंट पेशेंट को उनके रिलेटिव्स के हवाले कर देते हैं, और अगर पॉजिटिव आती है तो फिर प्रॉपरली जो जो प्रोटोकॉल है पुलिस के हिसाब से पुलिस के साथ उसे करके भेजते हैं। तो इस तरह से करके कल जो बात हुई थी, कल जो है उसमें दो पेशेंट ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट बाद में निगेटिव आई, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनको हम लोगों ने आज उनको रिलेटिव सौंप दिया, और जो एक पेशेंट थे उनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई थी, इसलिए उनको उनके जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको सौंपा गया है। भाई साहब, उस वीडियो के अंदर लगातार ये बोल रहा है कि एक हफ्ते से ये पेशेंट घर से बार बार आ रहा है, प्यारेलाल भी गया, केएमसी भी गया, मेडिकल भी गया, लेकिन उसे एडमिट नहीं करा गया, उसे बुखार की दवाई देकर तरखा दिया गया, रात को 1:30 बजे वो अपने घर भी पैदल वापस गया है रिजबन में। देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम है, मुझे ये मालूम है कि पेशेंट हमारे पास जब आया था और उसी दौरान जब वहाँ दिखाने आया था उसी दौरान उसको फालिस का अटैक पड़ा और हम लोगों ने उसको तुरंत भर्ती किया, और तुरंत भर्ती करने के बाद 6 बजे करीब, परसों की बात है, परसों शाम को 6 बजे की भर्ती हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने उसका प्रॉपर इलाज शुरू किया, लेकिन उसमें जो लगता है कि उसमें जो है जो ब्लड का जो हमको बताया गया है, डॉक्टर आर्य आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे जो मेडिसिन के हेड हैं, कि उनमें जो है ब्लड जो हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से शायद इनको ब्रेन में हैमरेज हुआ है, और हैमरेज की वजह से इनकी जो है वो डेथ हुई है। सर, जनरली तौर पर टेस्ट रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है? ऐसा है कि टेस्ट रिपोर्ट आने के लिए डिपेंड करता है कि हमारे पास जबकि लैब में कितना काम है, क्योंकि हमारे पास पहले 10 डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं और अब 5 डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोड कम नहीं हो रहा है क्योंकि सैंपल का नंबर बहुत बढ़ गया है। ये बताइए मेडिकल कॉलेज में कोई चीज बगैर प्रोटोकॉल, यहाँ तो पढ़ाई काम होती होता है, तो यहाँ पे बगैर प्रोटोकॉल कैसे चला जाएगा? 34 पेज के हमारे पास प्रोटोकॉल है, हमसे आप ले लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, पढ़ा के दिखाता हूँ, जो किया गया 100% प्रोटोकॉल के हिसाब से किया गया है, क्योंकि ये नहीं कर सकते हैं कि बच्चे को हम पॉजिटिव मदर्स पार रख दें, ये नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसमें जो है जो प्रोटोकॉल है उसमें ये क्लियर कट है कि अगर उसको उसके ऊपर मरीज पेशेंट का सीजर हुआ है, सीजर वाली मदर कैसे अपने बच्चे को संभालेगी जिसका ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए उसमें ये जो प्रोटोकॉल है बिल्कुल क्लियर कट प्रोटोकॉल ये कह रहा है कि बच्चे को उसके फादर या जो निगेटिव पर्सन है उसको, उसके फादर निगेटिव आ चुके थे, उसको उनको दिया गया। पेशेंट कहाँ से आया था, क्या नाम था, जो एक्सपायर हुआ, मुझे पहले ये बात पूरी कर लेनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर किया, और उसके लिए जो प्रोटोकॉल है कि जो है 5 से 7 दिन के अंदर के बाद उस बच्चे का, उसके जो जिसके साथ रह रहा दोनों का सैंपल होगा, तो उस सैंपल के हिसाब से फिर आगे का प्रक्रिया की जाएगी। वैसे पेशेंट का क्या नाम था, कहाँ से एडमिट हुआ था? कौन सा ये शायद दाल मंडी का पेशेंट है, विजय कुमार नाम है इनका, विजय कुमार गर्ग नाम है, 66 साल की उम्र है। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सर, मरने का कारण क्या? सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट।